दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन एसेइस्ट, पोएट और फिलोसोफर के बारे में, जिनका नाम है हेनरी डेविड थोरो। सो दोस्तों, हेनरी डेविड थोरो के बारे में आपको कितना पता है, कुछ पता भी है या नहीं पता, इसके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने एक टर्म को जरूर सुना होगा, सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस दोस्तों एक तरीके का मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन दोस्तों, इस टर्म को सबसे पहले क्वाइंड आउट करने वाले, इस टर्म को सबसे पहले अप्लाई करने वाले, लेकर के आने वाले हेनरी डेविड थोरो ही थे। हेनरी डेविड थोरो ने सिविल डिसओबीडियंस के ऊपर एक पूरा प्रॉपर एसे लिखा हुआ है, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और इनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर जो भी इन्होंने बातें बताई हैं सिविल डिसओबीडियंस के अंदर, उन सारी चीज़ों से इंप्रेस्ड होकर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को इंडिया में अप्लाई किया। और इनके जितने भी यहाँ पर इन्होंने जो भी सारी चीज़ें इन्होंने थिंकिंग्स को रखी थी अपनी इस एसे के अंदर, उसके बाद गांधी जी ने सारी चीज़ों को अप्लाई किया उस मूवमेंट के अंदर। ओके, सो ये तो एक छोटा सा शॉर्ट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा हेनरी डेविड थोरो के बारे में। अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या, इनके बायोग्राफीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी डेविड थोरो के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ है कि हेनरी डेविड थोरो जो थे दोस्तों, क्या थे, एक तो अमेरिकन, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वेट अ मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, हेनरी डेविड थोरो वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे, और साथ ही साथ में दोस्तों ये एक अ लीडिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ट्रांसेंडेंटलिस्ट एक तरीके की दोस्तों फिलॉसफी होती है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड होती है। इस जो भी मेटलिस्टिक जो भी ये वर्ल्ड है, इसमें जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, इस सारी चीज़ों के ऊपर थिंकिंग ना करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट। एक तरीके की फिलॉसफी होती है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ओके, तो इनको लीडर माना जाता है ट्रांसेंडेंटलिस्ट का। और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक वार्डन एंड हिज एसे सिविल डिसओबीडियंस। और इनके दो वर्क्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, हालांकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स को लिखा, लेकिन इनके जो दोस्तों दो वर्क्स थे, एक तो वार्डन और दूसरा सिविल डिसओबीडियंस, इनके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम मिला हुआ है। तो इनके दो वर्क्स थे सिविल डिसओबीडियंस और वार्डन, तो इनको हम लोग जरूर से अच्छे से जानना चाहिए इनके दो वर्क्स को। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ और भी यहाँ पर वर्क्स लिखे हुए हैं, जैसे इनके बारे में हम लोग और भी जानते हैं डिटेल में थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, थोरो रिमाइंड्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑथेंटिसिटी एंड डाउन राइट डिसओबीडियंस। डाउन लाइट का दोस्तों मतलब क्या होता है, डाउन लाइट का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से। इन्होंने सिर्फ डिसओबीडियंस को फॉलो किया। आप देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है ओबीडियंस, इन्होंने यहाँ पर पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो थोरो थे वो हमको किस चीज़ की रिमाइंड, किस चीज़ की हमको याद दिलाते हैं कि हमको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी अप्लाई करनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जो वास्तविकता है उस चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और डाउन लाइट का मतलब होता है जो स्पष्टवादी है, डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब, एक तो दोस्तों ओबीडियंस आप लोग लिखते होंगे जब कभी भी एप्लीकेशन वगैरह लिखते होंगे, तो ओबीडियंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, योर ओबीडियंस। ओके, तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी या फिर आज्ञा को मानने वाला। और डिसओबीडियंस का मतलब दोस्तों क्या होता है, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, मतलब आज्ञा को ना मानने वाला। तो इन्होंने दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस के अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो कि सरकार हमसे जुल्म करती है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो हमसे टैक्सेस वसूलती है, और अपनी जो भी, वो तो हमारे फ़ायदे के लिए बनी है ना, जो भी सरकार बनाई गई है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए बनाई गई। लेकिन अब वो दोस्तों जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो अपना बेनिफिट ज़्यादा सोचती है, हमारा बेनिफिट कम सोचती है। तो इसी चीज़ को इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इस चीज़ से रिलेटेड, तो इन्होंने इस ऐसे को बना दिया सिविल डिसओबीडियंस। मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस का जो करेक्ट मतलब है, मीनिंग है कि हम सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, लेकिन एक पीसफुली, मतलब पीसफुल के साथ में, ये नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। अगर जो भी सरकार कहेगी हम उसका जस्ट उल्टा करेंगे, लेकिन एक अपनी लिमिट में रहकर, एक बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक और एक मतलब
बोले तो कि उसको बहुत ज्यादा फैलाव नहीं करना है कि जगह जगह रैली निकालना है, या उसमें भी हम लोग सरकार का ही विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, पीसफुली विरोध करना है। तो रेजिस्टेंस मतलब पीसफुली सरकार का हमको क्या करना है, विरोध करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर इनका लिखा है कि ही वॉज बॉर्न इन 12 जुलाई 1817 में इनका जन्म हुआ था, कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स यूएस में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके फादर थे दोस्तों, ये एक लोकल पेंसिल को बनाने वाले थे, तो इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, इनके फादर की लोकल फैक्ट्री के ऑपरेटर थे। और इन्होंने अपने जो भी स्टार्टिंग की स्टडी वगैरह थी अपने नियरेस्ट होम टाउन में ही वगैरह में की थी। तो हार्वर्ड कॉलेज 1833 में ये गए भी थे, ही अटेंडेड हार्वर्ड कॉलेज इन 1833। देर ही स्टडीज, इन्होंने दोस्तों इनको लैटिन और ग्रीक का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज था। इसके अलावा इन्होंने थोड़ी बहुत इनको जर्मन भी आती थी। और अपने कॉलेज को कम्प्लीट करने के बाद में दोस्तों ये जाल्फ वर्ल्डो इमर्सन के कॉन्ट्रैक्ट में आए। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राल्फ वर्डो इमर्सन। यहाँ पर इस चीज़ को नोट करिएगा कि ये इनके दोस्तों एक तरीके के फ्रेंड भी रहे हैं, राल्फ वर्डो इमर्सन। इनके ऊपर हम लोगों ने पहले से ही एक वीडियो को कवर अप करके रखा हुआ है, इमर्सन के ऊपर एक हम लोगों ने पहले से ही वीडियो को बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, राल्फ वर्डो जो इमर्सन है दोस्तों, इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये आए थे, और ये इनके एक तरीके के फ्रेंड भी बने थे, जस्ट अ फ्रेंड। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंड, ये इनके एक तरीके के बहुत ही ज़्यादा बोले तो कि गुरु टाइप के थे। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा इमर्सन से ये प्रभावित हुए थे, हेनरी डेविड थोरो, एंड बिकम हिज फ्रेंड। और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रभावित होकर के उनसे उनके फ्रेंड भी बन गए थे। सो इमर्सन इमर्सन के तरीके दोस्तों, ही बिकेम एक्सपोज टू ट्रांसेंडेंटलिज्म। एक्सपोज का मतलब दोस्तों क्या होता है, उजागर करना किसी चीज़ को, मतलब आप बोले तो उस चीज़ को उजागर करा, ठीक है। तो ही बिकेम एक्सपोज टू ट्रांसेंडेंटलिज्म। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक तरीके की फिलॉसफी होती है जो कि एम्फेसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हम जो भी सोचते हैं, हम हमेशा मेटलिस्टिक मतलब फिजिकल चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं कि हमको हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों राल्फ वर्डो इमर्सन थे और हेनरी डेविड थॉरो जब इनके कांटेक्ट में आए, तो इन लोगों ने ऐसी फिलॉसफी के बारे में सोचा जो कि स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड थी, मतलब इस वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं, कुछ अपर वर्ल्ड नेचर की तरफ अट्रैक्ट होना, तो इन सारी चीज़ों से वाइल्ड लाइफ को देखना और जो भी प्लांट हैं उनको देखना, मतलब पॉन्ड्स जो भी झीलें हैं झरने उनकी तरफ अट्रैक्ट होना और उनसे रिलेटेड वर्क्स को लिखना, तो दैट इज़ कॉल्ड कि मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से ये कुछ ज़्यादा कनेक्टेड थे। अब आप समझते होंगे स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चलते हैं इनके कुछ, आप आगे भी और भी चीज़ें पढ़ेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन 1845 में दोस्तों जो थॉरो थे, एक इन्होंने क्या किया था, जब ये काफ़ी ज़्यादा इमर्सन से इम्प्रेस्ड हो गए थे और इमर्सन की लाइफ स्टाइल को ये फॉलो करने लगे थे, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था, स्पिरिचुअल लाइफ से ज़्यादातर अट्रैक्ट होने के लिए दोस्तों इन्होंने इस पूरे जो भी फिजिकल वर्ल्ड था इसको इन्होंने छोड़ दिया, और ये जंगलों के बीच में जा कर के एक वर्डन पॉन्ड नाम का एक प्लेस था दोस्तों, वर्डन पॉन्ड, ओके। तो ये एक तरीके का प्लेस था जंगलों के बीच में, वुड्स के बीच में, तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने ये गए, और इन्होंने क्या करा दोस्तों, एक तरीके की प्रॉपर्टी, एक बहुत ही छोटा सा इन्होंने घर बनाया, घर का क्या मतलब कि इन्होंने एक तरीके की हट बनाई, ये देखिए हट, ठीक है, जो झोपड़ी बनाई, और उसमें इन्होंने दोस्तों 2 साल से ज़्यादा व्यतीत किया, और बहुत ही सिंपलिसिटी अपनी लाइफ में इन्होंने अप्लाई करी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ तरीके से जिए, बिल्कुल भी जो भी बाहरी चीज़ें होती हैं उन सभी का इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इन्होंने कोई भी चीज़ को अप्लाई नहीं किया, बहुत ही सिंपल लाइफ इन्होंने जी दोस्तों 2 ईयर्स में। ही स्पेंड मोर देन 2 ईयर्स देयर विथ वेरी सिंपल लाइफ। उसके बाद में दोस्तों इसी दौरान में जो 2 ईयर्स के बीच में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने फेमस वर्क वर्डन और द लाइफ लाइफ इन द वुड्स को इन्होंने लिखा, वर्डन और द लाइफ इन द वुड्स। इसके बारे में दोस्तों हम लोग कभी डिस्कस करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। ये दोस्तों इन्होंने इन्होंने इस चीज़ को पेंड किया, मतलब इस चीज़ को लिखा, इस वर्क को लिखा वर्डन को,
और लाइफ इन द वुड्स, वुड्स का दोस्तों दो वर्ड होते हैं, वुड होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब दोस्तों होता है जंगल। तो जंगलों के बीच की कैसी लाइफ होती है, इस चीज इन सारी चीज़ों को उस इनके इस वर्क में बताया गया है। और 1854 में इनको ये पब्लिश भी हो गया था दोस्तों ये वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी बात करते हैं इनके मेजर चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ थॉरो हु क्वाइंड द टर्म सिविल डिसओबीडियंस, और ये दोस्तों थॉरो ही थे जिन्होंने क्वाइंड किया था सिविल डिसओबीडियंस टर्म को, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि सिविल डिसओबीडियंस है क्या और किसने इस टर्म को क्वाइंड किया। तो थॉरो ही ने इस टर्म को क्वाइंड किया था 1848 में, जिसका मतलब दोस्तों होता है कि पीसफुली रजिस्टिंग इमोरल लॉज, जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए इमोरल लॉज हैं। इमोरल का मतलब अनैतिक, जो भी सरकार है वो हमारे फायदे के लिए बनाई गई है अपने फायदे वो, लेकिन अब क्या करने लगी दोस्तों, खुद का भला सोचने लगी, हमारा भला कम सोचती है। तो उस चीज़ को प्रोटेस्ट करना, मतलब उस चीज़ को विरोध करना, सरकार का विरोध करना, लेकिन पीसफुली, कैसे पीसफुली, हाथ जोड़ करके, और मतलब हम नहीं करेंगे इसका मतलब नहीं करेंगे ना, ये सब नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, जगह जगह जा करके रैलियाँ निकाल रहे हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं, मतलब पीसफुली उसका रजिस्ट करना अपने जो भी गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। इनका इनका एक सीधा सा मतलब था, जब हम इनके इस ऐसे को पढ़ेंगे, सिविल डिसओबीडियंस को जब हम पढ़ेंगे, इनका एक सीधा सा मतलब था दोस्तों कि आई आस्क फॉर नॉट एट वंस नो गवर्नमेंट, इसका इनका ये मतलब नहीं था सरकार का विरोध करने का, कि मैं गवर्नमेंट को चाहता ही नहीं, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट हमारे संपर्क में आए, हमारी देखभाल करे, हमारी सुरक्षा करे, लेकिन बट एट वंस अ बेटर गवर्नमेंट, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मोटो है इनका, इनके इस सिविल डिसओबीडियंस का। सिविल डिसओबीडियंस में दोस्तों इन्होंने इसी चीज़ के बारे में, सरकार के जो भी इमोरल लॉज हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। और दोस्तों इन्होंने टैक्स नहीं दिया था, सरकार किसी प्रकार का टैक्स लगा रही थी तो इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो इसके लिए इनको एक रात जेल में भी गुजारनी पड़ी थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही रोट आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट इन जेल, तो इनको एक रात जेल में भी गुजारनी पड़ी थी क्योंकि इन्होंने टैक्स देने से मना किया था। तो यही इसी चीज़ को सिविल डिसओबीडियंस के अंदर बताया गया है। इस पूरे सिविल डिसओबीडियंस को दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, पूरे जो भी सारी चीज़ें हैं सिविल डिसओबीडियंस की, उसकी पूरी सही समरी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें दोस्तों लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सिंपल लिखा हुआ है। आपको कोई भी इंग्लिश जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत कि उसको कोई भी आराम से याद कर सकता है, लिख सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इंग्लिश टू टेक हमारे चैनल का नाम है, और दोस्तों इंग्लिश टू टेक जैसे ही आप डालेंगे फेसबुक ग्रुप में जा कर के, वैसे ही दोस्तों आपको एक ग्रुप दिख जाएगा सेम आइकन के साथ में, यहाँ पर माता सरस्वती का एक चित्र बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ पर से जाकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ उसका सबका पीडीएफ, और जो भी पिक्चर्स वगैरह होते हैं, मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, उस फेसबुक ग्रुप का। तो ये तो चीज़ रही हमारा थोड़ा सा बताने का, कि आप चाहें तो इस जो भी ये जितना भी लिखा हुआ है सिंपल वे में, इसको आप अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स वगैरह में, अगर आपका जो इस तरीके से आ रहा है एग्ज़ाम में पैटर्न जो भी हो। तो ये तो एक बायोग्राफी थी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर इन्होंने अपने इस झोपड़ी को बनाया था, वर्डन पॉन्ड में इन्होंने जो भी एक हट को बनाया था, आफ्टर लीविंग वर्डन पॉन्ड, इन्होंने दोस्तों आफ्टर मतलब वर्डन पॉन्ड को जब दो साल से ज़्यादा व्यतीत करने के बाद जब इन्होंने वर्डन पॉन्ड को छोड़ दिया, और उसके बाद में दोस्तों फिर ये निकल पड़े एक टूर में, और वो टूर किसके लिए था दोस्तों, वो इमर्सन के, राल्फ वाल्डो इमर्सन के लिए ही था दोस्तों। इमर्सन को ढूंढने के लिए अपने टूर में निकल पड़े, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा दोस्तों कांटेक्ट का तो कोई साधन होता नहीं था, कि चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल्स करके भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो ये उस टूर पे निकल पड़े, लेकिन इनको इमर्सन मिले कि नहीं मिले ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्टिल ही फैसिनेटेड विथ नेचर, ये फैसिनेटेड का मतलब दोस्तों होता है कि ये आकर्षित हुए, लालच मतलब एक तरीके से का अट्रैक्शन होता है, कि वो
नेचर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने दोस्तों कई सारे ऑब्जर्वेशंस भी किए किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, कि पेड़ पौधे की कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, मतलब जीव जंतुओं के बारे में, सारी नेचुरल लाइक चीज़ों के बारे में अट्रैक्ट दोस्तों हुए, और उन्होंने कई सारे वर्क्स को लिखा जो कि इनके इनकी बायोग्राफीज में आप आगे पढ़ सकते हैं, आपको गूगल्स पे और कहीं पर भी आराम से इनके वर्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपने इस जर्नी के दौरान में इन्होंने कई सारे वर्क्स को भी लिखा, और इन्होंने दोस्तों फैसिनेटेड हुए, मतलब आकर्षित हुए किसकी तरफ, नेचर की तरफ, और ये दोस्तों टूर में जा रहे थे, किसको किसके टूर में जा रहे थे, इमर्सन्स के, इमर्सन को ढूंढने के लिए, राल्फ वाल्डो इमर्सन को ढूंढने के लिए, लुकिंग आफ्टर इमर्सन्स हाउस, उनके उनको ढूंढने के लिए, उनके घर को ढूंढने के लिए जब निकले थे, तब दोस्तों इन्होंने कई सारे वर्क्स को लिखा। और यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों, और आगे इनके बारे में एक और भी चीज़ लिखी हुई है कि इनके डेथ के बारे में बताया गया कि दोस्तों इनकी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब दोस्तों होता है क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब आप समझते होंगे हृदय रोग कुछ भी, तो उससे उससे पीड़ित होकर के इनकी दोस्तों डेथ हो गई थी। और इनके सेम जहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था वहीं पर अपने पेरेंट्स के होम में इनकी डेथ भी हुई थी, कॉनकॉर्ड में मैसाचुसेट्स में हुई थी, 6 मई 1862। ये डेट आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव आता है तो लिखना ही है, ऑब्जेक्टिव आता है तो और भी अच्छे से याद करना है। ओके फिर उस दौरान जिस समय इनकी इनकी डेथ हो रही थी उस समय इनकी मदर सिस्टर सोफिया, सिस्टर का नाम इनका दोस्तों सोफिया था, और इनकी आंट वहीं पर ही मौजूद थे, और दोस्तों इनकी जो बहन थी उन्होंने इस इनके वर्ड्स को सुना, इनके सोफिया जो इनकी इनकी सिस्टर थी, तो सिस्टर ने इनके आखिरी वर्ड्स को सुना जो कि थे नाउ कम्स गुड सेलिंग। इस तरीके से इनके लास्ट वर्ड्स थे जो कि ये दोस्तों अपने लास्ट समय में बड़बड़ा रहे थे। अब इसका करेक्ट मतलब क्या है ये तो अभी तक दोस्तों किसी को सही से क्लियर नहीं है, तो बताना ही बेकार रहेगा कि इसका मतलब क्या है। जो भी मतलब जो भी थॉट्स वगैरह आए हैं, जो जो लोगों ने इसका मतलब निकाला अपने अपने अनुसार निकाला, लेकिन इसका करेक्ट मतलब क्या अभी किसी को भी नहीं बताया। और उस समय जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी ही वॉज 44 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो भी इनकी बायोग्राफी है उससे रिलेटेड कुछ इनके बारे में आपको जानने समझने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इनके वर्क सिविल डिसओबीडियंस को दोस्तों बहुत ही डिटेल के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। और दोस्तों ये जो हम लोगों का ये वीडियो है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एमए फाइनल ईयर का दोस्तों एसे है, एमए फाइनल ईयर में एसे है कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो आप इसी से रिलेटेड दोस्तों इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी का जो एमए फाइनल ईयर का दोस्तों पैटर्न है, जो जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग कद करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आगे के, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कद करनी है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके आसानी से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।